अक्सर हमारे घरों में बनाना बच जाता है जो कि ओवर राइप हो जाता है और उसे कोई खाना पसंद नहीं करता है, तो इस टाइप के बनाना को हम फेंक देते हैं। इस वीडियो को देखने के बाद में आपको कभी भी ओवर राइप बनाना को फेंकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। Hey guys, welcome back to my channel. This is Megha and you're watching Megha's Beauty Land. आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ में शेयर करने जा रही हूँ बहुत ही इजी एंड बहुत ही इफेक्टिव बनाना फेस मास्क। जितना इजी है इस बनाना फेस मास्क को बनाना, उतना ही इफेक्टिव है इसके रिजल्ट। सो विदाउट फर्दर डू, लेट्स मूव इनटू द वीडियो। सो बिफोर मूविंग टू द वीडियो, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेक श्योर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, सो दैट इस तरीके के ऑसम वीडियोस आप मिस ना करें। लेट्स मूव इनटू द वीडियो। सो इस बनाना फेस पैक को बनाने के लिए हमें चाहिए होगा ऑफकोर्स एक बनाना। तो मैंने यहाँ पर एक ओवर राइप बनाना लिया है। ओवर राइप बनाना में माइक्रो न्यूट्रिशन वैल्यू जो होती है बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाती है कंपेयर टू आर लेस राइप बनाना। तो ये हमारे स्किन के लिए और भी ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। सो सबसे पहले हम इस बनाना का पेस्ट तैयार करेंगे। इसके लिए मैंने यहाँ पर इस बनाना को पील करके इसके छोटे छोटे पीसेस कट कर लिए हैं। अब इन पीसेस को मैं एक मिक्सर ग्राइंडर जार में डालूंगी और ये जो बनाना है इसको भी हमें फेंकना नहीं है, इसको भी हम इसी जार में ऐड करेंगे। अब मैं ले रही हूँ यहाँ पर हाफ लेमन और इसको मैं कट करके विथ पील ऐड कर लूँगी। जो लेमन जेस्ट होता है वो हमारे डार्क स्पॉट्स को लाइटन करने में बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होता है, इसलिए हमें कभी भी लेमन जेस्ट को फेंकना नहीं चाहिए। सो अब मैं इसमें ऐड करूँगी 1 टेबल स्पून ऑफ कर्ड और अब इन सारी चीज़ों को मैं मिक्सर ग्राइंडर में चला के एक अच्छा सा स्मूथ पेस्ट बना लूँगी। सो अब मेरा पेस्ट बिल्कुल रेडी है, तो चलिए अब इसमें ऐड करते हैं 1 टेबल स्पून ऑफ हनी। इसकी जो कंसिस्टेंसी है वो बहुत ही ज़्यादा रनी लग रही है, इसके लिए मैं यहाँ पर ऐड कर रही हूँ 1 टेबल स्पून ऑफ ग्राम फ्लोर। आप चाहें तो इसमें मुल्तानी मिट्टी का पाउडर भी ऐड कर सकते हैं। अब हम इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर देंगे और अब हमारा बनाना फेस पैक बिल्कुल रेडी है। तो चलिए इस बनाना फेस पैक को अप्लाई करते हैं। अब हम इस फेस पैक की एक पतली सी लेयर अपने फेस पे अप्लाई करेंगे विद द हेल्प ऑफ ब्रश। इस फेस पैक को अप्लाई करने के बाद में हमें इसे 15 मिनट तक ड्राई होने के लिए छोड़ देना है। 15 मिनट के बाद में हमारा फेस पैक बिल्कुल ड्राई हो गया है और अब हम अपने फेस को 1 मिनट तक मसाज करेंगे और उसके बाद हम अपने फेस को वॉश कर लेंगे। सो ये था आज का वीडियो। आई होप ये वीडियो आपको यूजफुल लगा होगा। इस बनाना फेस मास्क को जरूर ट्राई करें और अपने रिजल्ट्स मेरे साथ शेयर करें। आप इस बनाना फेस मास्क को वीक में 2 बार यूज कर सकते हो इफेक्टिव रिजल्ट के लिए। आप इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ में शेयर भी कर सकते हो। ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। सो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय।